हेलो जी, वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं जवान मूवी के सेकंड सॉन्ग के बारे में, यानी कि चलिया सॉन्ग के बारे में। तो भाई सीन ये है कि सॉन्ग के रिलीज होने से पहले मेकर्स ने इस गाने का एक टीजर डाला था और उस टीजर से ही लोग इस गाने का वेट करने लग गए थे, क्योंकि टीजर में गाना बहुत औसम लग रहा था। जैसे कि हम ऑडियंस के साथ केसरिया सॉन्ग के टाइम पे भी हुआ था, सब लोग पागलों की तरह उस गाने का वेट कर रहे थे टीजर के टाइम से, और आज फाइनली हमको ये पूरा गाना सुनने को मिल गया है। तो भाई ऑनेस्टली मुझे तो गाने में कोई कमी नहीं है, गाना बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। चाहे आप अरिजीत की आवाज ले लो, कुमार के लिरिक्स ले लो या फिर अनिरुद्ध का म्यूजिक ले लो, इस गाने का जो काम है वो ये गाना अच्छे से कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये गाना एक रोमांटिक सॉन्ग है और गाना अच्छे से अपना काम कर रहा है। लेकिन भाई दिक्कत यहाँ है कि जब ऑडियंस ने टीजर में इस गाने को सुना था, उस वक्त टीजर में सिर्फ टैगलाइन को सुनाया गया था, जो कि बेसिकली एक बैकबोन होती है गाने की। तो पूरा गाना सुनने पर कुछ लोगों का कहना ये है कि उनको ये गाना अच्छा नहीं लगा। कुछ कह रहे हैं कि एसआरके और नयनतारा की केमिस्ट्री में वो बात नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि गाने में भी वो बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि गाने में बहुत जगहों पे म्यूजिक कम्प्लीटली चेंज हो गया है, जिसका सीन ये है कि कुछ लोगों को ये गाना पसंद नहीं आ रहा, जैसे कि सेम चीज केसरिया सॉन्ग के साथ भी थी। और ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप इस गाने के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स पढ़ सकते हो। तो भाई सीन ये होता है कि गाने का टीजर गाने की हाइप को इतना ऊपर ले जाता है कि एक्चुअल गाना किसी भी कीमत पे उस हाइप के पास तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑडियंस को लगता है कि ये गाना सही नहीं है, जबकि गाने में कोई कमी नहीं होती, गाना बहुत अच्छा होता है, बस वो टीजर की हाइप बहुत ज्यादा ऊपर हो जाती है। और मेकर्स पूरे गाने को सेम तो नहीं बना सकते ना भाई। ऐसी ही चीज हमारे साथ केसरिया सॉन्ग के साथ भी हुई थी और यही चीज हमें चलिया सॉन्ग के साथ भी हो रही है। बात करें गाने की वीडियो के बारे में, तो कोरियोग्राफी की है फराह खान ने और डांस, वीडियो, लोकेशन, एक्सप्रेशन सब कुछ गाने से मिलता हुआ दिख रहा है भाई, जिसकी वजह से ये गाना एक कम्प्लीट सॉन्ग लग रहा है। मतलब भाई नयनतारा कितनी सही लग रही है इस गाने में। ऑल्दो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये गाना मूवी की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाने वाला, ये गाना ख्यालों में आने वाला है। और जो लोग शाहरुख खान को बुड्ढा बोल रहे थे, तो देखो भाई 57 की एज में ये बंदा 30s वाला रोमांस करके दिखा रहा है, तो एसआरके को बुड्ढा बोलना तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। बाकी बात रही केसरिया सॉन्ग जैसी, तो भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे चलिया सॉन्ग का जो टैगलाइन वाला पार्ट है वो किसी गाने से मिलता जुलता लग रहा है। हालांकि ओरिजिनल गाना अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आया है, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लग रहा है और आपको वो गाना पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई। और अगर आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट और ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।